केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडाई सानजरिया पंचायत हीराबांक ग्रामर अनुसुईया जेना स्नातक परे विवाह एवं परे परिवारर दायित्व हेले एतिकिरे अटकी जाइनाहंती से स्वावलंबी हेबार निशा आज तांकु बनाइछि जणे सफल महिला उद्योगी निज स्वामी सहयोगे अनुसुईया स्पाइस नामक एक मसला कंपानी प्रतिष्ठा करी बनिछंती जणे सफल उद्योगी केवल निजे सफल होना बर निज पंचायत बेकार युवक युवती कर्म निजुक्ति आत्मनिर्भरशील अनुसुईया कंधमालू हलदी और बरगड़ जीरा लंका सोरस मेथी धनिया आदि मसला सामग्री कि गुंड करने निज ब्रांडर प्याकेट्रे प्याकिंग केन्द्रापड़ा जिला समेत जाजपुर जगत सिंहपुर बालेश्वर भद्रक सप्लाय कर बेस लाभवान होती वर्षक 70 लक्ष ऊर्ध टंका लाभ करने निज पंचायत 20 ऊर्ध महिला और युवक को रोजगारक्षम कर ग्रेजुएशन कंप्लीट परे जॉब करने मोर इंटरेस्ट है मुझे छोट गोटे बिजनेस कौन आरंभ करने म्यारेज मोर हो जाता जल्दी मो हजबैंड सपोर्टर अच्छा आम गोटे छोट बिजनेस कलु यादारा आमर निजर किसी प्रॉफिट सहित आम 10 लोक परिवार चलने आम सहयोग कर पार्छु एवं आम 5-6 रखीचु डेवलप है आम अधिका माइंड मेकअप है ना आम गोटे मसला फैक्ट्री करूँ बहुत कष्ट जाऊ डीआईसी रु अप्लाय कर मसला फैक्ट्रीटा आम डीआईसी अप्लाई करी करी छु वर्तमान टर्नओवर पर मंथ 2,50,000 समथिंग अच्छी 5-10 जन खंड स्टाफ भी एमर एंगेज अच्छा कंपनी आम एबी जी चली ठीक चली आगे चेष्टा बिजनेस टाक आ ग्रोथ करने इच्छा अच्छी तेबे अनुसुईया एभली कार्यरे साहाज्य करिसंती स्वामी श्रीधर राउत सेपटे ही मसला फैक्ट्री रे कर्म निजुक्ति पाई बेस खुशी थिबा कहिचंती एठारे कार्यरत कर्मचारी एक क्षुद्र मसला कंपानी रु सेमाने रोजगार करिबा सह आउ बाहर को दादन खटिबा को जीवा को पडनतिबा सेमाने कहिचंती हम जे अनुसुईया मैडम को कंपनी एजरे हम काम करू जो प्राय 8 जन कि 9 जन हेबे काम करू जो दरमा मिलु जे 8,000 टका मास को आंबे निजे भी चली पारछु से भी चली पारछु जे लंका गुंड हल्दी गुंड फुटाण इत्यादि इत्यादि गुंड सब चलुच बाहर कहीं जीव दादन खटू ये 8,000 तो भल पोषि पार्छू आम घर घर देखिपु ये अलग किसी कम भी कर मसला फैक्ट्री कर देहरे आम भी चूर चीर उपकृत हो सी भी चल पार संस्था आम भी भल दी पैसा रोजगार करम गाँव में जो बेकारी मैंने अच्छा मैंने अनुसुईया मैडम जो फैक्ट्री करें भल मे दी पैसा पाईपरु से मैंने भी पाँच कठिन परिश्रम और दृढ़ इच्छाशक्ति सब संभवपर केन्द्रापड़ कैमेरा पर्सन सरोज प्रभात लेंका रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।